हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉन 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे होने वाली है क्लास ए बी एम्पलीफायर के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, हमने पहले की जो इनसे पहले जो वीडियो थी वो क्लास ए एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो बनाई थी। जैसे आपने देखा होगा, चलिए मैं एक बार आपको थंबनेल से दिखा देता हूँ जिनके। फिलहाल जो आज की वीडियो है क्लास ए बी एम्पलीफायर के ऊपर है, और जो हमारे इससे पहले मतलब दो वीडियो होने वाली थी, मतलब जो हमने डाल चुके हैं, क्लास ए एम्पलीफायर की थी, जो हमने फुल एक्सप्लेन किया था क्लास ए एम्पलीफायर को। ठीक है, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर का एक छोटा छोटा मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मतलब एक ही ट्रांजिस्टर सारा काम करे वो क्लास ए एम्पलीफायर होता है। मतलब मैं एक छोटी बात में बता रहा हूँ सारा एक्सप्लेन, हालांकि मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको चैनल के लिंक में यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मिल जाएगी। ठीक है, फिर था हमारा क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर। फिर हमने क्लास बी एम्पलीफायर का एक्सप्लेन किया। क्लास बी एम्पलीफायर में ऐसा हुआ था भाई, उसमें हमारा क्लास ए एम्पलीफायर में एफिशिएंसी आ रही थी 30%, तो क्लास बी एम्पलीफायर में 30-30 बट गई, यानी कि दो ट्रांजिस्टर ने काम करा तो 30 इस पे 30 इस पे 60% हो गई थी। मतलब हाफ वेव पे ये वाला ट्रांजिस्टर काम कर रहा था और हाफ वेव पे ये वाला ट्रांजिस्टर कर रहा था काम, लेकिन जहाँ पे फुल वेव था वहां पे तो वहां पे क्लास ए एम्पलीफायर काम कर रहा था, तो वहां पे हीटिंग का जो 70% लॉस हो रहा था वो क्लास बी एम्पलीफायर में सुधार आ गया, वहां पे सिर्फ 40% रह गया और जो हमारा 60% था एफिशिएंसी मिल गया, यानी कि हमें पावर मिल गई। उसके बाद में कुछ और इसमें मतलब इम्प्रूव किया गया, क्योंकि क्लास बी एम्पलीफायर जो था 0.70 या 0.7 कह सकते हो, इस पे हमारा डिस्टोर्शन बना रहा था, मतलब एक तरह से क्रॉस ओवर बंद हो जा रहा था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा ग्राफ बैठ रहा था, जैसे हमारा ये ग्राफ था, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा ग्राफ था, जैसे ये ग्राफ है, ये यहाँ पे आके रुक रहा था और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो रहा था, तो इसलिए क्लास बी एम्पलीफायर यहाँ पे आकर फेल हो गया था। मतलब ये आवाज को जो है ब्रेक कर रहा था, तो हमें ब्रेक पसंद नहीं है क्योंकि पैसा खर्च कर रहा है कोई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब उसको डिस्टोर्शन आए, मतलब मजा नहीं आए चीज में, तो वो पैसा खर्च नहीं करेगा। तो फिर इन दोनों को अपग्रेड करके इसकी जो बायसिंग है वो काफी अच्छे से की गई, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की बायसिंग की गई थी, जैसे यहाँ से सिग्नल दिया मैंने बताया था इसके बेस पे, और इस मतलब एनपीएन के बेस पे और पीएनपी के बेस पे जो रेजिस्टेंस लगाई गई थी, इससे हमारा एक्टिव 0.7 वोल्टेज पे एक्टिव नहीं हो पा रहा था, समझना 0.7 वोल्टेज पे एक्टिव नहीं हो पा रहा था। तो उस कंडीशन में क्या होता, जब हमारी काफी लो साउंड हो जाता उस समय पे ब्रेक बंद हो जा रहा था, तो उस चीज को छोड़ करके फिर क्लास ए बी बनाया, मतलब ए और बी का दोनों का सम्मेलन बनाया। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये हमें एम्पलीफायर बोर्ड है, यहाँ पे क्लास ए बी एम्पलीफायर बोर्ड आप देख सकते हैं, ये इसमें क्या है, एक साइड एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक साइड पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लेकिन इनको बायसिंग कराने के लिए कुछ डायोड, डायोड की जगह आप दोस्तों ट्रांजिस्टर लगाने लगे हैं। ठीक है ना, मतलब जो इनको ड्राइव करने के लिए, एक तरह से ड्राइव कह सकते हो, ड्राइवर सर्किट कहते हैं ना एम्पलीफायर के अंदर, ड्राइवर सर्किट है ये खराब हो चुका, तो वो बायसिंग के लिए होता है, मतलब उसको धकेलने के लिए कि भाई एमीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमीटर करंट कितना पहुंचाना है, किस स्थिति में पहुंचाना है। भाई आपके पास जो स्पीकर है, होम थिएटर का हो चाहे एम्पलीफायर का हो, मतलब किसी भी बक्से का, कितने भी बड़े साइज का स्पीकर हो, उसमें साउंड कब आता है, जब हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना उसमें तीन पिन होती है, बेस कलेक्टर एमीटर। जब हम बेस पे सिग्नल देते हैं ना, बेस पे सिग्नल और ग्राउंड हमारा निगेटिव पॉइंट होता है, तो एमीटर टू कलेक्टर जो एमीटर होता है वो पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई एमीटर पे तब जाएगी आउटपुट पे यानी कि स्पीकर पे, जब हमारे बेस पे सिग्नल आएगा कि भाई आपको सिग्नल देना कैसे है, तो उस हिसाब से वहां पे दिक्कत आ रही थी। तो अब फिर क्लास ए बी बनाया गया, क्लास ए बी का आप सर्किट समझ लीजिए पहले। यहाँ पे ये देखिए, ये क्लास ए बी एम्पलीफायर का एक सर्किट है, क्लास ए बी एम्पलीफायर का। क्लास बी में जैसे हो रहा था एकदम बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें क्या किया गया है, इसकी जो बायसिंग है वो डायोड द्वारा की गई है, डायोड द्वारा समझना। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, 0.7 वोल्ट पे ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं हो रहा था, मतलब नीचे जा रहा था, साउंड लो हो जा रहा था। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे दो डायोड का यूज किया गया, एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से, मतलब इन तो हमें लग रहा है कि ऐसे ही है, लेकिन एक का एनपीएन की तरफ को, एक को पीएनपी की तरफ को। एनपीएन है तो इसका हमारा निगेटिव की तरफ है और पीएनपी है तो हमारा पॉजिटिव की तरफ है। तो इसमें क्या किया गया, 0.70 वोल्ट, मतलब 0.7 वोल्ट कह सकते हैं, 0.7 वोल्ट परमानेंट एक्टिव करा दिया। यहाँ पे वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जा रही थी ना वो इस देने के बाद, तो उस समय पे क्या गया, 0.7 जो है ना परमानेंट एक्टिव करा दिया।
इसमें क्या होगा, अगर परमानेंट एक्टिव होगा तो जो एम्पलीफायर का जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो, तो उसमें क्या होगा, बेस पे आप जैसे माइनर सिग्नल दोगे तो माइनर ही आउटपुट हो जाएगा, समझना इस बात को। वहां पे क्या हो रहा था क्लास बी में, वहां पे सिर्फ आपको एक रेजिस्टेंस द्वारा ही बायसिंग की जा रही थी, मतलब जो वोल्ट जो सिग्नल आया वो ऐसा का ऐसा ही आपको देना पड़ रहा था। लेकिन अब जो सिग्नल आएगा 0.7 वोल्ट, उसके अंदर ऑलरेडी ट्रांजिस्टर के अंदर रहेंगे, मतलब हीटिंग तो होगा, यानी कि जो जो ट्रांजिस्टर काम करने की विधि है हाफ हाफ पे करेगा। जैसे यहाँ पे ऊपर की ये वाली वेव है आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, यहाँ पे ये दूसरी वेव है इसे निगेटिव बोल सकते हैं, तो पॉजिटिव के लिए ये वाला ट्रांजिस्टर काम करेगा यहाँ पे 35%, और यहाँ पे 35% काम करेगा ये वाला ट्रांजिस्टर। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि एक बार प्लस में जाएगा तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, और माइनस में जाएगा तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या फंस रही थी क्लास ए बी में कि क्लास बी में, खाली ए बी में तो वो क्लियर हो गया, क्लास बी में यही फंस रही थी, 0.70 पे जाने पे वो मतलब साउंड जो है बिल्कुल लो हो जा रहा था। तो उस कंडीशन में जब डायोड का बायसिंग की गई तो हमारा फिर एफिशिएंसी इसमें बढ़ गई। एफिशिएंसी कैसे बढ़ी, जिस समय पे हमारी इसकी बायसिंग में मतलब जैसे यहाँ पे स्विच करता है ट्रांजिस्टर, स्विच करता है जिस समय पे, उस समय पे बायसिंग में प्रॉब्लम आई थी, तो उस समय पे यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे अब तो यहाँ पे डायोड दिखा रखा है इसके सिंबल में, लेकिन अब इसको ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखा देना चाहता हूँ, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं सर्किट है, इस सर्किट के अंदर यहाँ इधर की तरफ भी ट्रांजिस्टर है, इधर की तरफ भी ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे जिन्हें आप मॉस्फेट भी बोलते हैं, लेकिन वो मॉस्फेट नहीं होते, ट्रांजिस्टर ही होती है, एक एनपीएन एक पीएनपी। उसकी बायसिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये वाले ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो इनकी बायसिंग करा रहे हैं। बस क्लास ए बी में यही है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% हो जाती है, 30% हीटिंग के रूप में निकल जाती है, और क्लास ए बी जो है वो क्लास ए और बी का दोनों का मिक्स है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मिश्रण है, मतलब दोनों को जोड़ के उन्हें बनाया गया है, उनमें ध्यान रखते हुए कि क्या लॉस हो रहा है क्या दिक्कत आ रही है। क्लास ए बी में सिर्फ यही है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो एम्पलीफायर यूज होता है वो क्लास ए बी एम्पलीफायर है। जैसे कि आप यहाँ पे कॉपी वाला एमडी 1200 1600 जान सकते हो, तो वैसे तो क्लास ए एच में आता है जो उसका प्रोफेशनल ओरिजिनल होता है, लेकिन जो मार्केट में उसकी कॉपी निकाली जा रही है वो क्लास ए बी है, ठीक है, क्लास ए बी। जैसे आपके घर में कोई एम्पलीफायर यूज होता है जिसमें एक एनपीएन एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हो 100 200 300 500 1000 वाट तक का, वो सब आपके क्लास ए बी एम्पलीफायर होते हैं। अगर उसमें मॉस्फेट प्लस ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो क्लास एच होता है, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास एच के बारे में। क्लास ए बी का आप समझ लो सबसे एक तो इजी है रिपेयर करना, डुअल सप्लाई पे चलता है, डुअल का मतलब एक प्लस वोल्टेज एक माइनस वोल्टेज एक ग्राउंड, यानी कि डुअल सप्लाई ही होगी, ग्राउंड को जीरो दोनों का ग्राउंड हो गया। तो हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर सबसे ज्यादा यूज होता है, जो आपकी आईसी होती है होम थिएटर के अंदर, आईसी हुई होम थिएटर के अंदर ट्रांजिस्टर हुआ, छोटे एम्पलीफायर के अंदर सिस्टम हुआ, वो सारा क्लास ए बी के ऊपर होता है। हालांकि कोई क्लास डी बना दे तो बात अलग है। अब रह गए हमारे क्लास एच और डी, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, यही है कि एक वीडियो एक बार में फुल एक्सप्लेन करते हैं। अब आपको क्लास ए भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्लास ए और बी, जिसने ये वीडियो देख ली तो क्लास ए भी उसके समझ में आ गया, अगर जिसने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसके समझ में बिल्कुल आने वाला नहीं है। तो क्लास ए भी और क्लास ए और बी को दोनों को मिला करके बनाया गया, बस इसकी एफिशिएंसी 10% बढ़ा दी है, बाकी सब कुछ वही है। इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि दोस्तों 0.7 वोल्ट पे हमारा ट्रांजिस्टर बंद हो जा रहा था, यानी क्रॉस ओवर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको बायसिंग कराने के लिए डायोड लगाया गया, और हमारा यहाँ पे काफी अच्छा काम हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतने दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।